हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं लक्ष्मी पांडे टीरी गढ़वाल के न्यू कॉलोनी जाकने से आप सभी का स्वागत करती हूँ, और देवभूमि उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ों से। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं। तो देखिए, मॉर्निंग का व्यू काफ़ी मस्त लग रहा है एकदम। आज आसमान क्लीन है। देखिए, सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाट काफी मस्त लग रही है। और प्रकृति का यह सौंदर्य बड़ा मनमोहक होता है। और देखिए, प्रकृति अपने सौंदर्य को किस तरह से सजो रखा है। बहुत ही मस्त दृश्य है, आप लोग देख सकते हो। और आजकल पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। बिल्कुल क्यारियाँ एकदम सूखी सूखी सी है। हमने आलू लगाए थे और सामने देखिए चिड़िया भी एकदम मिट्टी को फैला रही, क्योंकि एकदम सूखा है। तो सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। देखिए जी, आज है भैया दूज। तो आप लोगों को थोड़ा जानकारी देती हूँ मैं भैया दूज के बारे में। और सामने देखिए आप अलकनंदा, व्यू काफ़ी मस्त है। पौराणिक कथा के अनुसार यमराज ने अपनी बहन यमुना से मिलने, बहुत समय बाद मिलने का निर्णय लिया। यमुना ने अपने भाई का हार्दिक स्वागत किया और उनका आदर सत्कार किया। और यमराज ने वरदान दिया कि इस दिन अगर भाई बहन दोनों एक साथ यमुना नदी में स्नान करेंगे तो उन्हें मुक्ति मिलेगी। इसी कारण से इस दिन यमुना नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती है। भाई भी बहनों को उपहार देकर उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। बहनें इस दिन विशेष रूप से अपने भाई को तिलक लगाती हैं, तिलक करती हैं और उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती है। ये प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। भाई दूज हमें सिखाता है कि परिवार और रिश्तों का कितना महत्व है। यह दिन हमें एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करने का अवसर देता है। तो हमारे उत्तराखंड में भी भाई दूज मनाया जाता है। आप हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे वीडियो को प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिएगा। और देखिए जी, यहाँ पे बनाए हैं मैंने आज छोले काबली चने वाले।
खाने छोले वाले ये बनते हैं सफ़ेद चने से। और यहाँ पे मैंने दूध बॉयल कर लिया है, अब बनाऊंगी मैं खीर क्योंकि आज है भैया दोस्त, तो फिर देखेंगे आपको बाद में थाली। और दिन का लंच भी बनकर तैयार हो गया है, हमने बनाया है जीरा चावल और छोले बने हैं, तो अब करेंगे हम थोड़ी देर में इंजॉय। तो देखिए जी यहाँ पे बन रही है पूड़ियाँ, और देखिए जी यहाँ पे बन रही है खीर, और अभी खीर अच्छे से पक रही है, अभी गाढ़ी नहीं हुई थी, अभी से थोड़ी देर और पकाएंगे। देखिए जी यहाँ पे बन रही है गर्मा गर्म पूड़ियाँ, देखिए यहाँ पे बन रही है गर्मा गर्म पूड़ियाँ। और देखिए जी यहाँ पे आपने भैया को ये, और यहाँ पे कलेवा बांधते हैं, और इसमें कामना की जाती है अपने बड़े भाई के लिए कि मेरा बड़ा भाई स्वस्थ रहे और दीर्घायु रहे, और बहन भी अपने भाई को वरदान देता है यानी उसको आशीर्वाद देता है कि मेरी बहन, कि मैं अपनी बहन की हमेशा रक्षा करूंगा और हमारे बीच हमेशा प्यार रहे और बहुत प्रेम रहे। तो भैया 5 बार करते हैं। हाँ बस कर देंगे। कि आज है भैया दूज तो हमारे यहाँ इस तरह से पूजा की जाती है, और यहाँ पे उसे मिठाई खिला रही है, और अपनी बहन को वो आशीर्वाद देता है कि उसकी हमेशा रक्षा करेगा। तो आप जितने भी भाई बहन हैं इस संसार में, सभी को अपनी बहन की रक्षा करनी चाहिए, प्रेम रहने चाहिए भाई बहनों में, भाई बहनों के बीच। और अब बन रही है मेरी दूसरी बिटिया रक्षा सूत्र अपने भाई के, क्योंकि इस समय भाई बहन के घर आता है, लेकिन इस समय शादीशुदा तो नहीं है इसलिए एक ही घर में ये पूजा हो रही। अगर बहन ससुराल में है तो भाई उसके ससुराल में जाता है, और बहन को बहन अपने भाई के आने पे बहुत खुश होती है, और फिर भाई भी आशीर्वाद देता है, बहन भी अपने भाई के लिए भगवान से आशीर्वाद मतलब कामना करती है कि मेरे भाई को दीर्घायु देना, लंबी उम्र की कामना करती है। और ये कल्चर है हमारे उत्तराखंड का जो कि मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ, इसमें कोई भी दिखावा नहीं करती हूँ मैं, जैसा हमारे रीति रिवाज परंपरा है उत्तराखंड में वही चीज़ मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ यानी आपके समक्ष रखती हूँ, ये आप देख सकते हो। अरे भाई बहन का प्रेम का त्यौहार है, और भाई अपनी बहन को गिफ्ट भी देता है। तो अभी तो हमारा बेटा नौकरी वाला नहीं है, स्टूडेंट है, इसलिए वह चॉकलेट दे रहा है अपनी बहनों को, और यही सबसे बड़ा गिफ्ट है। देखो खुश हो गई दोनों बहनें, और भाई भी खुश हो गया क्योंकि उसने आशीर्वाद दे दिया है बहनों ने भाई के लिए। तो देखिए यही चीज़ मैंने आपको दिखा दी, आपको भैया दूज की बहुत बहुत बधाई हमारी परिवार की ओर से सभी बहनों भाइयों को। तो मेरे मैं भी अपने भाइयों को जितने भी मेरे भाई लोग हैं सभी को आशीर्वाद देती हूँ, मेरे भाई बहन हमेशा खुश रहे, मेरे भाई बहनों में प्यार रहे, और ये रिश्ता पवित्र रहे, और मेरे भाई को भगवान दीर्घायु दे। ऐसे खीर भी खिलाई जाती है जहाँ मिठाई वगैरह नहीं होती है वहाँ खीर खिलाई जाती है, लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था बेटा, गुड़ खिलाया जाता था, गुड़ प्रसाद माना जाता था, शुभ माना जाता था, गुड़ का ही भोग लगता था देवी देवताओं को। और देखिए जी ये है आज की प्लेट, तो आज बनाया हमने पूड़ी छोले खीर और जीरा चावल, तो करते हैं हम इसको एंजॉय। सो गाइज यही था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग, जैसे आपको पता है आज था भैया दूज, तो हमने सेलिब्रेट कर दिया जो कि हमने आपके साथ व्लॉग में शेयर करा। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग भी आपने वैसे ही इंजॉय करा होगा जैसे आप डेली व्लॉग्स को इंजॉय करते हो। अगर आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगे तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।